देखिए, एक बड़ा न्यूज़ निकल के ये आ रहा है कि कई दिनों से जो आप अटकलें लगाई जा रही थी कि क्लास 10th एंड 12th की जो परीक्षाएं, बोर्ड की जो बची हुई परीक्षाएं, वो कब होंगी, उस पे एक बड़ा न्यूज़ आया है। हालांकि ये कन्फर्मेशन अभी जानना बाकी है, लेकिन जो भी एक अपडेट आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट आपको ये अपडेट के बारे में बताया जाए। जैसे कि आपको पता है कि जो लॉकडाउन के कारण हमारे जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो रुकी पड़ी हुई हैं, तो उन परीक्षाओं को कराने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई है, और स्ट्रेटजी बनाई गई और ये आर्टिकल भी पेपर में छप चुका है। स्ट्रेटजी क्या है कि जैसे ही लॉकडाउन का जैसे धीरे होता है, जैसे कि आपको पता है, जब मैं तो उत्तराखंड में रहता हूँ, ऐसे ही लगभग हर एक सिटी में, सारे राज्यों में 30 अप्रैल तक हमारे यहाँ तो नोटिस जारी हो चुका है, तो 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ तो हो चुका है, बाकी 14 अप्रैल को ये ऑफिशियल न्यूज़ भी आ जाएगी। आई थिंक सारे स्टेट में ये लगने वाला है। और जो न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि जैसे ही लॉकडाउन कम होगा, जैसे ही लॉकडाउन का जैसे ढीलापन आएगा, यानी कि कई कई राज्यों में जैसे छूट दी जाएगी, थोड़ा माहौल ठंडा होगा, तो उस पर क्या करा जाएगा कि बोर्ड अपना एग्ज़ाम करवाना चाहता है, लेकिन एग्ज़ाम उन्हीं का पहले करवाएगा जिस विषय में कम परीक्षार्थी होंगे, उन विषय को पहले वरीयता दी जाएगी। जैसे कि आप क्लास 10th में, तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो देखा जाएगा कि किन सब्जेक्ट के बच्चे सबसे कम हैं। ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में इतने सारी जनता भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तो थोड़ा मामला गड़बड़ा सा जाएगा। तो पहले ये देखा जा रहा है कि जिस विषय के विद्यार्थी कम होंगे उसको पहले एग्ज़ाम कराया जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे आगे प्रोसीजर देखा जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कम से कम 1.5 से 2 मीटर का फासला बनाए रखना होगा। इसी पॉइंट को देखते हुए बोर्ड ये चाहता है कि जिस सब्जेक्ट में सबसे कम विद्यार्थी होंगे, अभी हाल जो डेट आएगी आई थिंक 30 अप्रैल, उसके बाद ही ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जिस सब्जेक्ट में सबसे कम विद्यार्थी होंगे उन्हीं को सबसे पहले शूट कराया जाएगा, उन्हीं को सबसे पहले कराया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि टाइम के साथ थोड़ा ये माहौल भी ठंडा होता रहेगा, हम तब तक कोरोना वायरस पर भी हम नियंत्रण पा लेंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को हर जगह वायरल कर दो। क्लास 10th 12th 11th की मैथमेटिक्स साइंस करा रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।